कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सरकारी विशेषज्ञों के इस पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के साथ अब भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को भी आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के औपचारिक बयान के मुताबिक हैदराबाद के भारत बायोटेक को जनहित में बहुत ही सावधानी के साथ क्लिनिकल ट्रायल मोड में और ये ध्यान रखते हुए कि म्यूटेंट स्ट्रेन का संक्रमण है, आपातकालीन हालात में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। अब दोनों वैक्सीन को DCGI से फाइनल अप्रूवल मिलने का इंतजार है। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कहा कि देश में 4 वैक्सीन बनकर तैयार हैं।